जैन साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। बहुत से साथी मेरे कमेंट कर पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो उस तैयारी के लिए मुझे कौन सी बुक, मतलब किस बुक, जो मैथ की बुक आएगी, आपकी रीजनिंग की, आपकी जीएस, इसके लिए मैं कौन सी बुक पढ़ूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने देखा है ज़्यादातर यूट्यूबों पर कि अलग अलग टिप्स देते हैं, कि आपने देखा है जिसका भी यूट्यूब चैनल है वो अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, कि बताते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, आप ये बुक पढ़ो, आप ये बुक पढ़ो। तो सबसे बढ़िया फार्मूला मैं आपको बता दूँ, देखो जब मैंने तैयारी की थी तो मैं भी अपने यूट्यूब पर देखता था कि सब यूट्यूब पर ये देखता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे अच्छी मैथ्स बुक कौन सी है, रीजनिंग की सबसे अच्छी बुक कौन सी है। तो मैं भी सर्च करता था, तो मुझे भी अलग अलग प्रकार की, वैसे मैंने ये वाला वीडियो देखा तो उसमें मैं देखता था कि ये बुक में सबसे अच्छी रहेगी, तो जैसे मैंने दूसरा वीडियो देखा तो उसमें रहती थी ये बुक अच्छी रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ, आप सिर्फ अपनी आप सोच रहे होगे कि मैंने ये बुक खरीद ली इससे सिलेक्शन हो जाएगा, वो बुक खरीद ली उससे सिलेक्शन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मिले, मैं भी देश की सेवा करूं, स्टेट की सेवा करूं जाके। सबको लगता है कि इस वजह से सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अच्छी से अच्छी बुक मिले, जो मुझे एडवाइस दे कि सबसे अच्छी बुक कौन सी रहे, जो मैं जिसे मैं पढ़ूँ और तुरंत मुझे सिलेक्शन हो जाए। तो आप ऐसा किसी भी बुक में नहीं है कि आपको मैं बता दूं ये बुक है तो आप इसे तुरंत खोलो, आपका 2 महीने में सिलेक्शन हो जाए, 3 महीने में सिलेक्शन हो जाए। आप बताइए, आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपने ज़्यादातर देखा होगा, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे जिसमें आपको बताते होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये बेस्ट बुक है, एमपी पुलिस के लिए ये बेस्ट बुक है, SSC GD के लिए ये बेस्ट बुक है। आपने वो बुक खरीदी, वो खरीदने के बाद आपने देखा होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, जी नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जब मेहनत करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। आप जो बुक है, बुक दी गई हैं, आप उसे देखकर ये बुक है, आपने ये बुक देखी कि हाँ ये बुक अच्छी है, इसमें से ये क्वेश्चन आए, आपने खोल के पढ़ ली और उसे उठा के रख दिया, आप बताइए ऐसा सिलेक्शन होगा? आपका ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप घर पर पढ़ोगे, जैसे मैथ हुआ, आप घर पर पढ़ोगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कहाँ पर जाओगे? किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आपको टारगेट बनाना होगा, आपको लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है। जैसे कि आप माना कि आप रात में 4 घंटे पढ़ते हो तो आपको दिन में भी टाइम निकालना होगा। अगर आप लक्ष्य बना, आपका टारगेट होगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तभी आप सफल हो पाओगे। बात करते हैं बुक्स, तो मैं अपनी बुक्स बता देता हूँ। मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मैंने GK के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए मैंने लूसेंट, जो मोटी वाली आती है मार्केट में, मैंने वो खरीदी थी। मैथ के लिए मैंने आर एस अग्रवाल का मैथ आता है, जिसे आप आसानी से किसी भी स्टोर पर खरीद सकते हो। रीजनिंग के लिए मैंने आर के झा की आती है रीजनिंग, वो जिससे मैंने पढ़ाई की थी। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बुक से पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने जिस बुक से पढ़ाई की थी। अब आपका ये है कि आपको जिस बुक से अच्छा लगे उस बुक से पढ़ो, क्योंकि, और एक एडवाइस, आप भ्रमित ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं SSC GD की वैकेंसी आई हुई हैं, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, वैकेंसी बहुत सी आ रही हैं। तो आपका लक्ष्य ये है कि आपको 2024, आपके सामने 2024 है, अगर 2024 में आपको इतनी वैकेंसी आ रही हैं कि आप अगर अपने अपने जो कमरे में तैयारी करते हो 6 महीने के लिए उस कमरे की कुंडी बंद कर लो। आपने अगर 6 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो ये SSC की जो 84,000 वैकेंसी आ रही हैं, प्लस जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 52,000 कुछ वैकेंसी आ रही हैं, तो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेरा
आपसे यही अनुरोध है कि सिर्फ आपके पास 6 महीने हैं, अभी भी आप लोगों के पास 6 महीने हैं।